शिमला की ऊंची पहाड़ियों पर है ढिंगू माता मंदिर और ये चढ़ाई हम लोग पैदल ही पार करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ मंदिर चलते हैं। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। मैं प्रशांत और प्रिया आज आपको लेकर आ गए हैं महाअष्टमी के दिन माता रानी के दरबार में। जैसा हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग ढिंगू माता मंदिर जाने वाले हैं और प्रथम नवरात्रा जो फर्स्ट डे था वो हमने आपको दिखाया था कालीबाड़ी शिमला का, वहाँ का हमने वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम लोग यहाँ का शेयर करने वाले हैं महाअष्टमी के दिन। और अभी 10:30 हो रहा है, सैटरडे भी है, बहुत अच्छा दिन है, अप्रैल का महीना है, अष्टमी भी है चैत्र नवरात्रा का। और ये है मेन द्वार ढिंगू माता मंदिर के लिए, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और कार से भी यहाँ तक अगर कोई आता है तो पैदल ही यहाँ से हमें जाना होता है। और बिल्कुल हमें वैष्णो माता वाली फीलिंग आती है यहाँ से जब हम पैदल चढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में आपको हम दिखाएंगे कि स्टे करने के लिए, बैठने के लिए भी जगह जगह पे बने हुए हैं और पानी वाली पीने के लिए भी भक्तों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये संजौली का एरिया है और ये संजौली का मेन रोड है, मार्केट है पूरा। और अभी जो हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह का नाम है ढिंगू माता मंदिर। जी हाँ, माता रानी का मंदिर है जैसा बता चुकी हैं ये। और ये बिल्कुल जाखू हिल के पैरेलल में एक वन ऑफ द 7 हिल्स ऑफ शिमला है, वहाँ पर मैं आपको ले कर चलूँगा। बिल्कुल सामने जाखू हिल्स और उसके बिल्कुल पैरेलल में आपको ढिंगू माता मंदिर संजौली हिल्स मिलेगा उसका टॉप, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। और ये रहा रास्ता है वहाँ पे जाने का, तो अभी हम लोग वहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, तो आइए चले। तो संजौली से हम लोग निकल चुके हैं माता के मंदिर की ओर, ये मेन रास्ता है वहाँ ऊपर जाने का। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे यहीं से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, माता के लिए चुन्नी ले सकते हैं, वैसे तो ऊपर भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये रास्ता है सामने से, यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, वहाँ बिल्कुल ऊपर। और ये जो रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मैं, 10 मिनट्स का वॉकिंग रास्ता है। यहाँ पे व्हीकल्स भी, आपकी जो छोटी व्हीकल्स हैं वो भी आ जाती हैं, तो वो जस्ट मिड वे पे हमें ये व्हीकल्स वहाँ छोड़ेंगी, वहाँ से कुछ स्टेयर केसेस हैं तो वहाँ से हम लोग फिर ऊपर की ओर चलेंगे। और वो जो चढ़ाई होगी सीढ़ियों पर वो होगा लगभग 15 to 20 मिनट्स की, थोड़ी स्टीप चढ़ाई है क्योंकि हिल्स है, टॉप हिल्स है शिमला का। तो अभी हम लोग वहाँ जो माता का दरबार एक और अभी जो द्वार होगा वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ से एक्चुअली में सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। चढ़ाई तो काफ़ी है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बच्चे बूढ़े सभी सीढ़ियों से चलते हैं और माता रानी के पास पहुँचते हैं। तो थकान तो होती है बट मंदिर में दर्शन करना है तो उसका हमें पता भी नहीं चलता है। नॉर्मली शिमला में स्टेयर केसेस ज़्यादा होती हैं, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर टॉप हिल पर हमें जाना है तो सीढ़ियाँ तो पार करनी पड़ेंगी। और बीच बीच के रास्ते में देखिए ये हमें रेस्ट करने के लिए, जो भक्तगण हैं टूरिस्ट हैं उनके रेस्ट करने के लिए जगह भी बना हुआ है, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, थोड़ी एनर्जी गेन करके आप वापस इन सीढ़ियों पे ऊपर की ओर चल सकते हैं।
मंदिर का गुंबद भी हमें दिखाई दे रहा है, घंटी की आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुंच रही है। अभी 30 मिनट हो गए हैं चलते हुए, हमें लगता है 10-20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। लगभग 5 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे और इसी रास्ते में यहाँ पे मिलता है तीर्थन मोनास्ट्री। ये है मंदिर प्रांगण, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। अब माता के मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां से देखिए, ये इन झरोखों से शिमला का व्यू चारों ओर का, बिल्कुल सामने ये पेड़ों के झुरमुट से जो आपको दिख रहा है हिल, ये जाकुर हिल है। आइए अभी दर्शन करते हैं ऊपर। मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं, अब देवी माँ के दर्शन भी करते हैं। थोड़ा परिक्रमा भी करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है और ये प्रांगण है। यहाँ पे हम पूजा करने के बाद थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। साथ में भंडारा गृह भी है जहाँ पे भंडारा होता है। देवी माँ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, आपने भी दर्शन कर लिया और मुझे इतनी प्यारी चुन्नी भी मिली है मंदिर की तरफ से। दोस्तों, ये जब
जैसा कि बहुत ऊंचाई पर है डिंगू माता मंदिर, तो यहाँ से शिमला का बहुत अच्छा व्यू आता है और जगह जगह के जो शिमला के मेन टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी हम आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। ऐसे व्यूज़ दोस्तों यहाँ के हर एक विंडो से है और ये बिल्कुल कवर्ड एरिया है मंदिर प्रांगण का और हर एक विंडो से ये व्यूज़ मिलेंगे हमें। आइए मैं आपको मशोबरा का हिल्स दिखाता हूँ, वहाँ सामने से इस साइड मशोबरा और नालदेरा का हिल्स है और यहाँ पे अगर देखेंगे इधर इधर शिमला के लॉन्गवुड और दूसरे हिल्स हैं। और जैसा कि आज महाअष्टमी है तो भंडारे का आयोजन भी हो रहा है, वैसे यहाँ के हर मंदिरों में रविवार और मंगलवार को भंडारा आयोजित होता है और भंडारा जाने का यहाँ से रास्ता है, भंडारा गृह इधर है। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इसी मंदिर प्रांगण में यज्ञ हवन भी हो रहा है और साथ में मैं दूसरे साइड अभी आ चुका हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया देखिए भटा प्रखर का एरिया है ये, और जो हिल्स दिख रहे हैं वो उधर चायल के हिल्स हैं। थोड़ा मैं आपको इधर भी लेके चलता हूँ तो यहाँ से आप पूरा शिमला देख सकते हैं। ये जो ग्लास वाले विंडोज लगाए हुए हैं यहाँ से आपको सारा कुछ दिखेगा। इस विंडो से ये देखिए ये ढली वाला एरिया है और बिल्कुल ऊपर की ओर अगर देखें तो कुफरी है सामने और मुझे यहाँ से एक ओपन स्पेस दिख गया है। मैं वहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये व्यू शिमला का ऑलमोस्ट आधा एरिया यहाँ से दिख रहा है जो सराउंडिंग ग्रीन हिल्स है। ये टेंपल का मंदिर का बैक एरिया है और कुछ पाइन ट्रीज भी दिख रहे हैं हमें। बल्कि एक कॉर्नर में ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया गया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करके फ्लावर्स के लिए, और काफ़ी सारे फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इधर देखिए काफ़ी सारे जेरेनियम की वैरायटीज भी हैं। अब हम लोग नीचे भंडारे कक्ष में आ चुके हैं। ये जो भंडारे का कक्ष है ये काफ़ी बड़ा सा है और यहाँ पे लगभग एक बार में 250 लोग आ जाते हैं। ये है भंडारे का रसोई जहाँ खाना बनाया जाता है और यहाँ पे खाना परोसना आरंभ हो चुका है। अब हम लोग भंडारे के खाने का प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की कुछ और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।